स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल पे। आज हम लाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली क्लास 3rd to 5th का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 63 है, 16 सितंबर की वर्कशीट है ये। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। हेल्दी वेजिटेबल्स, यानी हमें इसमें पढ़ेंगे कि जो पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, जो हेल्दी वेजिटेबल्स होते हैं, जो आहार अच्छा होता है हमारे लिए खाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सब्जियों के नाम का पता लगाइए। अब इनमें हमें सब्जियों के नाम का पता लगाना है। माय नेम हैज़ फ्लावर इन इट, अब मेरे नाम में ही फूल है, तो वो क्या हो सकता है? कॉलीफ्लावर। तो मैं आपको इंग्लिश में लिख दूँगी और हिंदी में नाम बोल दूँगी, तो आप यहाँ कॉलीफ्लावर लिख देंगे और मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, हिंदी में भी लिख देती हूँ फूल गोभी। तो ये लिख दिया मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में, या मैं आपको हिंदी में लिख देती हूँ क्योंकि इंग्लिश के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। यू कैन क्राई व्हेन यू कट मी, जब आप मुझे काटते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या होगा? प्याज। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऑनियन लिखेंगे। आई एम रेड एंड राउंड, यू कैन ईट मी रॉ और कुक्ड, यानी मैं लाल और गोल हूँ और आप मुझे पका कर या कच्चा भी खा सकते हैं, तो इसका आएगा टमाटर। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे टोमेटो लिखेंगे। सेकेंड आएंगे, आई एम ब्राउन एंड ग्रो अंडर द ग्राउंड, यू कैन बॉयल मी टू, मैं भूरे रंग का हूँ और ज़मीन के नीचे उगता हूँ, आप मुझे उबाल कर भी खा सकते हैं, तो ये क्या होगा? पोटैटो। पोटैटो यानी आलू, तो आप आलू लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको यहाँ पे इमेज भी बनी है सब में, देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई, यानी आइडेंटिफाई करना है, राइट डाउन द नेम ऑफ फोर वेजिटेबल फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में से कोई चार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पे कोई चार सब्जियाँ, तो आपको सबसे पहले प्याज दिख रही है यहाँ पे, तो आप प्याज लिख सकते हैं, ये प्याज दिख रही है। और क्या दिख रहा है हमें? मिर्ची दिख रही है, और हम देख सकते हैं गाजर दिख रही है हमें, तो हम गाजर लिख देंगे। मैं पहले हिंदी में लिख दे रही हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में इनके नाम बता दूँगी। आप आलू लिख सकते हैं, तो आपको आलू दिख रहे हैं, तो और आपको क्या दिख रहा है? देख सकते हैं टमाटर दिख रहे हैं हमें, यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर है। और आपको जो भी लिख रहा है आप अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे आप प्याज को इंग्लिश में ऑनियन, गाजर को कैरेट, आलू पोटैटो, टमाटर टोमेटो, तो ये आप क्लियर लिख देंगे इंग्लिश में ही बच्चे। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम। अब मैं सिक्स क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में हिंदी में लिखवा रही हूँ आपको। हमें सब्जियाँ क्यों खानी चाहिए? सब्जियाँ खाने के चार फायदे लिखिए। अब सब्जियाँ क्यों खानी चाहिए और उसके चार फायदे लिखने हैं, तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये हमारा लाइव सॉल्यूशन आंसर नंबर 6। सब्जियाँ खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे शरीर को अच्छी वृद्धि और विकास होता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं। सब्जियाँ खाने के शरीर से शरीर के सभी पोषक तत्वों को पूर्ति हो जाती है। इंग्लिश के बच्चे भी यही लिख सकते हैं कि वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स टू गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। तो बच्चे मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई शुड वेजिटेबल बी वॉश बिफोर कुकिंग, खाना पकाने से पहले सब्जियों को क्यों धोना चाहिए? तो इसका आंसर मैं आपको लाइव सॉल्यूशन में दिखा देती हूँ। तो ये 7th का आंसर है, सब्जी खाने से पहले उन्हें धोना चाहिए क्योंकि उन पर लगी मिट्टी और गंदगी हट जाए और सब्जियाँ साफ और कीटाणु रहित हो जाए। यानी वैन वी ईट द वेजिटेबल्स वी गेट वॉश हिम बिकॉज, मतलब आप लिख सकते हैं कि मिट्टी लगी रहती है क्योंकि दे हैव टू स्टॉल चिकन एंड स्टक हो जाता है ना बच्चों उसमें, और गंदगी हो जाती है, और उसे हम उसे कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया से दूर हो जाता है, यानी इसे हम बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है बच्चों, ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर है। हम मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता दिया, हिंदी का मैंने लिखवा दिया आपको, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो होशियार होते हैं, तो वो बच्चे मैं बोल रही हूँ तो उनका भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे स्टडी विद अमन कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें।
ठीक है बच्चों, बाय बाय।